एवरीवन, वेलकम टू हफ्सा कुकबुक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी फ्लफी पकौड़ों की रेसिपी, जो कि रमज़ान में हर घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन पकौड़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसको चॉप कर लिया है। 1.5 कप बेसन लेंगे, एक छोटी सब्ज़ मिर्च को चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 कप वाटर, एक पोटैटो लेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे, 1 टमाटो लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून क्रश पेपर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/3 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें सब चीज़ें डाल लेंगे। प्याज डालेंगे, आलू डाल देंगे, टमाटर ऐड करेंगे, सब्ज मिर्च, और ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमारा बैटर काफ़ी पतला हो गया हुआ है, लेकिन इसमें अभी हम 1/2 कप बेसन और ऐड करेंगे। 1/2 कप बेसन हम इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और देखें बैटर कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब हम गरम ऑयल में स्पून की हेल्प से इस तरह राउंड सी शेप में ये पकोड़े डालते जाएंगे। ये देखें वो खुद ब खुद ही मूव हो रहे हैं, क्योंकि इतने लाइट वेट और इतने क्रिस्पी हैं और ये फ़ौरन से फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा लिए बगैर। हम पकोड़ों को मीडियम से लो फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखें हमारे पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व होने के लिए। ये देखने में भी कितने यमी और क्रिस्पी लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।